दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एरोमा बादशाह और ग्रॉस्टर नेकबैंड का फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से जितने भी जो प्रोडक्ट्स इन दोनों में से जो भी एयरफोन है इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी, चार्जिंग का टाइम और अंत में मेरा ओपिनियन प्राइस को देखते हुए कौन सा एयरफोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा एयरफोन आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस वक्त होने वाला है। क्योंकि ग्रॉस्टर भी एक ऐसा एयरफोन है जिसकी मैंने फुल रिव्यू मैंने किया और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस ब्रांड से भी। तो ये एक ऐसी ब्रांड है ना जो आपको कम प्राइस में बहुत ही स्पेक्स आपको देती है। बट यहाँ पर मैं इन दोनों कंपैरिजन करूँगा। इन दोनों में से कभी अगर आपके मन में कभी सवाल आता है कि दोनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए तो वो आपको इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। यहाँ पर साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो साउंड क्वालिटी मैं लगभग बोलूँगा कि ग्रॉस्टर की भी बहुत ही अच्छा है और एरोमा का बादशाह तो जो कि है ही सबसे बढ़िया। तो दोनों की अगर मैं साउंड क्वालिटी बात करूँ दोनों में 3D सराउंडिंग डेफिनेटली है। आप ये मत समझना कि साउंड क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, नहीं, दोनों में ही बढ़िया है। एरोमा का के अंदर स्पेशली 3D सराउंडिंग है, बेस भी डीप है बट उतना ज़्यादा बेस डीप नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप सोचोगे कि बहुत ही पंची डीप बेस मिलेगा, नहीं वैसा नहीं मिले बट आप सेटिस्फाइड हो जाओगे इसके साउंड क्वालिटी से। उसके बाद बात करते हैं ग्रॉस्टर की, तो ग्रॉस्टर की भी सिमिलर ही है, एकदम एक्चुअली सिमिलर है। मैं एक्चुअल में आपको साउंड क्वालिटी के मामले में मैं इतना कंक्लूजन बना के नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि दोनों की ही साउंड क्वालिटी मुझे लगभग ना समझ भी नहीं आ रहा मैं रिव्यू कैसे करूँ क्योंकि टेस्ट दोनों का अलग है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो यार अभी अगर मैं फल की बात करूँ तो कौन सा फल, अभी कोई मीठा तो दोनों ही मीठा होता, तो कितना मीठा है और कितना टेस्टी है वो तो आपके ऊपर निर्भर करता। कुछ लोगों को वैसा फल पसंद है, केला पसंद है, कुछ कुछ लोगों को आम पसंद है, तो कुछ लोगों को केला पसंद नहीं है, कुछ कुछ लोगों को आम पसंद नहीं है, तो वैसा ही कुछ है। बट दोनों का ही साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा बेस्ट है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं साउंड क्वालिटी अगर मुझे चूज़ करना होता तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, दोनों का ही एकदम बेस्ट है। पर ज़्यादा भी कोई डिफरेंस इतना नहीं है। तो कॉल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई कॉल क्वालिटी भी दोनों का लगभग सेम है, यानी कि आपको निराश नहीं करेगा। जब आप बात करोगे, आप कहीं पर बाहर जाते हो, पिकअप करते हो, आप कॉल को पिक करते हो तो आप बराबर आपको सामने वाले की भी आपको आवाज़ बराबर आएगी, आपकी भी आवाज़ सामने बराबर जाएगी। ब्लूटूथ का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है, आपको बीच बीच में ब्लूटूथ बंद भी नहीं होता, नेटवर्क का भी एयरफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो कॉल क्वालिटी अगर आप देना चाहते तो दोनों ही काफ़ी बेस्ट है। बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पर ग्रॉस्टर में आपको मिलता है 20 आवर का बैटरी बैकअप। आपको दो से ढाई घंटे आपको लगता है फास्ट चार्जिंग, आपको कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिला जा रहा है तो 2 से ढाई घंटे आपको लगेंगे चार्ज करने के लिए और उसके बाद आपको मिलेगा 20 आवर का बैटरी बैकअप, यानी कि आपको मिलता है पूरा एक दिन का हैवी यूसेज पे बैटरी बैकअप। बात करते हैं एरोमा बादशाह की, 3 घंटे लगते हैं चार्ज करने के लिए और आपको 2 दिन का हैवी यूसेज पे आपको ये बैटरी बैकअप देगा क्योंकि 40 आवर का बैटरी बैकअप है। यहाँ पर आप क्लियर कट विनर देख सकते हो क्योंकि एरोमा क्योंकि बैटरी में वो ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि एरोमा जो बादशाह है वो एक रेकमेंड करूँगा इस प्राइस रेंज पे आप ले सकते हो। नहीं तो अगर आप कोई और भी प्रोडक्ट चाहते हो कि इस प्राइस रेंज में 400 तक का कोई रेंज में मिल जाए तो मेरे चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपको सब आपको मिल जाएंगे।